नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमिर। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 को लेके या फिर LCA मार्क 2 को लेके। और इसको लेके जो एक इनविटेशन है वो HAL के द्वारा रिलीज किया गया है, जो कि तेजस मार्क 2 के फ्यूल टैंक सिस्टम है और सप्लाई है उसको लेके जो टेंडर वो निकाला गया है, जहाँ पे वेंडर से ये पूछा गया है कि अगर वो सक्षम है इस तरह के टैंक को बनाने में तो वो अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पे तेजस मार्क 2 के टैंक को लेके बात करेंगे कि इस तरह के एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल टैंक होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो किस तरह की है, मतलब ये कितना फ्यूल कैरी करने जा रहा है। यहाँ पे टाइप की बात करोगे तो जो भी आपके फ्यूल टैंक होते हैं एयरक्राफ्ट में वो तीन तरह के होते हैं मुख्यतः। पहला आपका होता है डिस्क्रीट, दूसरा है ब्लैडर और तीसरा आपका होता है इंटीग्रल टैंक। जो भी आपके डिस्क्रीट टैंक होते हैं वो आमतौर पर छोटे एयरक्राफ्ट में दिए जाते हैं, जबकि जो आपके ब्लैडर टैंक होते हैं वो रबड़ के शेप में बनाए जाते हैं और उनमें अपने आप को लीक प्रूफ करने की क्षमता है वो भी होती है, जो कि आमतौर पर आजकल जो भी हेलीकॉप्टर्स होते हैं वहाँ पे दिए जाते हैं। और यहाँ पे जो फ्यूल होता है वो एक ही जगह आपको देखने को मिलता है। इस तरह के जो टैंक है वो जो भी आपके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है या फिर जो रिफ्यूलर हैं वो इस्तेमाल करते हैं जब वो फ्यूल को स्टोर कर रहे होते हैं, ताकि जो फ्यूल है वो लीक प्रूफ रहे। जबकि आमतौर पर जो भी आपके फाइटर जेट में इस्तेमाल होते हैं टैंक, वो इंटीग्रल रूप से जो भी आपके फाइटर जेट की बॉडी है उसके वेरियस पार्ट में फिट किए जाते हैं। तो आपके तेजस मार्क 2 में ये कुछ जो जगह है जो कि इंटरनल फ्यूल को कैरी करेंगे, जैसे कि आपका F1 हो गया, F2 हो गया, F3 है, दो आपके जो विंग है वो भी यहाँ पे फ्यूल कैरी करते हैं। और ये जो पूरा फ्यूल सप्लाई सिस्टम है ये आपके एयरक्राफ्ट के बेस से हल्का ऊपर रहता है। यहाँ पे फ्यूल टैंक को डिजाइन करते वक्त जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन है वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप मूव करोगे तो ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं और इनमें क्षमता होती है कि अपने मोशन के साथ जो CG की पोजीशन है उसको ये चेंज कर सकें। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी आपका सेंट्रल फ्यूल टैंक होता है वो बहुत करीब रखा जाता है CG के। यहाँ पे फ्यूल टैंक को कई भागों में बांटने का ये भी मकसद है कि जो सेफ्टी है वो बनी रहे। अगर आपके जो एयरक्राफ्ट के फ्यूल टैंक है वो बेस पे होंगे तो क्रैश के टाइम पे जो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो उस चीज को देखते हुए भी जो फ्यूल टैंक की पोजीशन है उसको ऊपर रखा जाता है। तो ये तो रही बात फ्यूल टैंक की पोजीशन को लेके। बात करोगे फ्यूल टैंक में से जो फ्यूल है उसको आप निकालते कैसे हो, क्योंकि जब भी आप मनूवर करोगे चाहे वो हाई जी टर्न हो या फिर लो जी टर्न हो, इस तरह के मनूवर में क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो फ्यूल है वो भाग जाते हैं किनारों पे, तो वहां पर जो पॉसिबिलिटी है कि जो एक स्कार्सिटी है वो हो जाए आपके इंजन के पास फ्यूल की। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए जो पूरा फ्यूल सिस्टम है वो डिजाइन किया जाता है और वहां पे कई सारे पंप का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि फ्यूल की सप्लाई को रेगुलेट किया जा सके। तो बेसिकली इन सभी टैंकों में से एक मुख्य टैंक होता है जिसको आप बोल देते हो कलेक्टर टैंक, और उस टैंक में ही जो बाकी के फ्यूल होते हैं चाहे वो विंग से हो या फिर ड्रॉप टैंक से हो वो आके एक्युमुलेट होते हैं, और इसी कलेक्टर टैंक में से एक पंप के माध्यम से बाकी जगहों से फ्यूल को भरा जाता है। स्पेशली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो भी आपके ड्रॉप टैंक होते हैं वो तो आपके एयरक्राफ्ट के विंग के जस्ट नीचे होते हैं, तो ड्रॉप टैंक से फ्यूल निकालने के लिए जो पंप है उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो भी आपके विंग में दिए गए हैं फ्यूल टैंक वहां से फ्यूल को निकालने के लिए जो ग्रेविटी है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। और इन सब में फ्यूल के मोशन की वजह से जो एक कैविटेशन है वो ना हो उस चीज को अवॉइड करने के लिए ये जो पूरा फ्यूल सिस्टम है उसको प्रेशराइज रखा जाता है। तो यहाँ पे जो प्रेशराइज एयर है वो आती कहाँ से है, तो बेसिकली मैं इस बारे में बात कर चुका हूँ कि जो आपके इंजन का ब्लीड एयर होता है जिसको आप उठाते हो कंप्रेसर से उसको आप यहाँ पे सप्लाई करते हो, और वही जो एयर होती है वो यहाँ पे जो प्रेशर है मेंटेन रखती है जो कि आपको हेल्प करता है कैविटेशन को अवॉइड करने में। तो पहला आपका हो गया सोर्स टैंक, सोर्स टैंक से जो फ्यूल है वो आएगा कलेक्टर टैंक में, फिर वहां से पंप की हेल्प से वो भेज जाते हैं इंजन के पास, और इन सभी प्रोसेस के टाइम पे जो प्रेशर है वो मेंटेन रखा जाता है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये हो गया कि जो फ्यूल सिस्टम है वो इतना भी सिंपल नहीं है, स्पेशली तब जब आपके फाइटर जेट को बहुत सारे जो मनूवर है वो करने होते हैं। तो ये तो रही बात प्रेशर को लेके। एक और इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जब भी आप ऑल्टीट्यूड बढ़ाओगे तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो भी गिरता है, तो फ्यूल के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इन फ्यूल को एक HE में भेजा जाता है, यानी कि हीट एक्सचेंजर में भेजा जाता है। और ये जो आपका हीट एक्सचेंजर होगा ये बेसिकली अपने हीट को या फिर जो भी टेम्परेचर है उसको एक्सचेंज करता है एक हाइड्रोलिक ऑयल से, जिससे जो भी कूलिंग है या फिर हीटिंग है वो ये ट्रांसफर करके अपने आप को मेंटेन रखता है, अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। सो इससे आप बोल देते हो आपके एयरक्राफ्ट का जो हीट लोड सिमुलेशन सिस्टम है यानी कि HLSS, और इसकी हेल्प से जो भी आपके फ्यूल सिस्टम सप्लाई है उनका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है और जो प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे इस तरह के फ्यूल टैंक को बनाने में जो चैलेंजेज हैं उनकी बात करोगे तो इंजन के लिए जो फीड सिस्टम है वो हो जाता है, फ्यूल ट्रांसफर के लिए जो भी सिस्टम है चाहे वो टेम्परेचर को लेके हो या फिर प्रेशर को लेके हो वो आपको मेंटेन करना है, तो वो सिस्टम आपको डेवलप करना होता है। प्रेशराइजेशन जो मेंटेन करना है वो होगा, वेंटिलेशन को लेके उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। जबकि रिफ्यूलिंग के टाइम पे जो प्रेशर रिफ्यूलिंग है वो कैसे होगी, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जो कि ऑलरेडी भारत या फिर DRDO कर चुकी है तेजस में, तो उसको लेके जो इश्यूज हैं वो कुछ खास है नहीं। तेजस मार्क 2 की बात करते हो तो इसके जो विंग पे टैंक दिए गए हैं वो 612 kg फ्यूल कैरी करेंगे,
जो टैंक सेंटर पे दिया गया है यानी कि F2 वो 590 kg कैरी कर रहे हैं, जो F1 है जिसको आप कह दोगे कलेक्टर टैंक है वो कैरी करने जा रहा है तकरीबन 874 kg और जो आपका F3 है वो कैरी करने जा रहा है 700 kg। तो ये आपके इंटरनल टैंक हो गए जो कि ऑलमोस्ट कैरी कर रहे हैं 3400 kg के अराउंड, तो ये ऑलमोस्ट बराबर है ग्रिपन ई के। ड्रॉप टैंक की बात करोगे तो यहाँ पर जो तेजस मार्क 2 के ड्रॉप टैंक है उनको शार्प रखा गया है, उनकी जो डिजाइनिंग है वो एरोडायनामिक को देखते हुए की जा रही है। जैसे कि आपने देखे होंगे जो भी आपके रफाल के फ्यूल टैंक है उनको एरोडायनामिकली ऑप्टिमल बनाया गया है, और वैसे ही तेजस मार्क 2 के ये जो ड्रॉप टैंक है उनको बनाए जा रहे हैं। ड्रॉप टैंक की कैपेसिटी की बात करते हो तो जो दोनों विंग पे होंगे ड्रॉप टैंक उनकी कैपेसिटी 1360 kg की है, और जो सेंटर लाइन पे होंगे उसकी जो कैपेसिटी होगी वो अभी 1040 kg की देखी जा रही है। सो ऑल इन ऑल अगर आप बात करते हो तो ये कैरी करने जा रहा है 7148 kg के अराउंड फ्यूल को, और यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट का वेट है फ्यूल के साथ वो ऑलमोस्ट पड़ने वाला है आपको 13000 kg के अराउंड। सो इसको लेके जो प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू है यानी कि PDR वो जल्दी शुरू किया जाएगा, और जो फाइनल डिजाइन रिव्यू है वो जनवरी या फिर फरवरी तक कंडक्ट किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।